और पैरिंग लग चुकी है कोडी रोड्स को, कनेक्ट भी हो चुकी है, बहुत बढ़िया कनेक्ट हो चुकी है पैरिंग भी, और पेन हो रहा है, क्या ये रिजिलियंस करेगा यूज, और खतरनाक क्रॉस शॉट एक बार फिर से, क्या अब करेंगे रिजिलियंस यूज, क्या द अंडरटेकर पेन हो रहा है वैसे एक, और खतरनाक मूव गाइस कोडी रोड्स का पैरिंग, और खतरनाक फिनिशर कनेक्ट हो चुका है। हे गाइस कैसे हो, वेलकम बैक टू माय चैनल द गेमर, मैं होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस आज के इस गेम प्ले वीडियो में हम करने वाले हैं फाइव मैन गॉन्टलेट एलिमिनेशन मैच, और इसमें गाइस पांचों के पांचों सुपरस्टार्स गाइस काफी तगड़े वाले होने वाले हैं, और इस मैच में गाइस टाइटल ऑन द लाइन होगा, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो देखते हैं गाइस कि इन सभी सुपरस्टार्स में से कौन गाइस लास्ट तक टिकता है इस मैच में, और कौन बनता है गाइस न्यू चैंपियन। तो ये वीडियो गाइस कमाल का होने वाला है, तो चलिए गाइस बिना किसी देर के आज के इस गेम प्ले वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस मैच हो चुका है शुरू, और मैच की शुरुआत करेंगे ट्रिपल एच एंड रोमन रिंग्स, और आते ही पड़ेगा उसको स्पेयर, खतरनाक स्पेयर गाइस ट्रिपल एच को, और किक आउट कर दिया इजीली ट्रिपल एच ने, बहुत बढ़िया एक ही तो स्पेयर पड़ा है, ज्यादा नुकसान होगा नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि एक ही स्पेयर से क्या ही ट्रिपल एच आउट होने वाला है। सो गाइस इसमें एलिमिनेशन ऑन है क्योंकि गॉन्टलेट एलिमिनेशन मैच है, तो एक ही करके गाइस बाकी के सुपरस्टार्स इसमें एंटर होते जाएंगे इस गॉन्टलेट मैच में, और टाइटल गाइस ऑन द लाइन है, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप WWE का टाइटल ऑन द लाइन, और देखते गाइस कि कौन इन सभी सुपरस्टार्स में से गाइस लास्ट तक टिकता है इस मैच में, और बनता है गाइस न्यू चैंपियन आज के गेम प्ले वीडियो में। काफी कमाल का गाइस ये गेम प्ले वीडियो रहने वाला है, और रोमन रिंग्स लगता है कि कैंडोस्टिक लेकर के आएंगे, एक्सट्रीम खेलने जाते हैं इस मैच को, कैंडोस्टिक मार के लगता है कि ब्रेक कर देंगे ट्रिपल एच के ऊपर, और खतरनाक कैंडोस्टिक सवार हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री गाइस होने वाली है, लेट्स सी गाइस नेक्स्ट एंट्री किसको होती है। खतरनाक रनिंग नी मूव लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ, रोमन ने भी उस वक्त स्पेयर मार दिया से वक्त पे, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाया किसका भी मूव, और कोडी रोड्स गाइस आ चुके हैं थर्ड एंट्री कोडी रोड्स की। तो टोटल पांच गाइस सुपर स्टार रहने वाले हैं, थर्ड की तो एंट्री हो गई है, कोडी रोड्स इस मैच में आ रहे हैं, और तब तक मैच का मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया ट्रिपल एच ने अपनी तरफ, और फर्स्ट पेडिग्री रोमन रिंग्स को, खतरनाक पेडिग्री लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाई, ट्राइबल चीफ ने इजीली कर दिया मूव को रिवर्स। कोडी रोड्स रोमन को पकड़, भाई रोमन बहुत स्पेयर मार रहा था, तेरे को भी स्पेयर मारने जा रहा था, लेकिन अच्छा क्या पकड़ लिया रोमन को, क्रॉस रोड्स दे दिया पकड़ के, बहुत बढ़िया। ट्रिपल एच का पेडिग्री तो नहीं कनेक्ट हो पाया लेकिन क्रॉस रोड्स कनेक्ट हो चुका है, और टाइटल गाइस ऑन द लाइन है, कमाल का गाइस ये गेम प्ले वीडियो रहने वाला है। और गाइस आप में से ज्यादातर लोग हमारे चैनल पर गाइस पहली बार ही आएंगे, सो प्लीज गाइस चैनल कर लो सब्सक्राइब, गाइस प्रेस कर लो बेल आइकन, क्योंकि गाइस आपको इस चैनल पर एवरी डे गाइस न्यू गेम प्ले वीडियोस गाइस एंजॉय करने को मिलेगा। तो मेरा काम है गाइस आपके लिए डेली न्यू गेम प्ले वीडियोस को लेकर आना, और गाइस आपका काम है कि अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको गेमिंग कॉन्टेंट पसंद है, तो गाइस चैनल कर लो सब्सक्राइब और प्रेस कर लो गाइस बेल आइकन, क्योंकि गाइस आपको गेमिंग हब पर हमारे इस चैनल पर गाइस एवरी गेम गाइस एंजॉय करने को मिलेगी। सो गाइस ये ऑल इन वन गेमिंग चैनल है, सो आपको सभी गेम्स एक ही चैनल पर के देखने को मिलेंगे, सभी अलग अलग गेम्स के गेम प्ले वीडियोस एक ही चैनल पर के आप एंजॉय कर पाओगे। सो गाइस चैनल कर लो सब्सक्राइब द गेमिंग का, और प्रेस कर लो गाइस बेल आइकन, और फोर्थ एंट्री द अंडरटेकर की, और आते ही स्पाइन बस्टर, अंडरटेकर के आते ही स्पाइन बस्टर पड़ेगा, रोमन रिंग्स को पेन हो रहा है, एंड फिर से किक आउट बाय द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स, नाइस डीडीटी बाय द अंडरटेकर, ट्रिपल एच उनको पीटने लग गए हैं, खतरनाक गाइस मैच रहने वाला, बस्टर कर दिया क्लोज ट्रिपल एच ने द अंडरटेकर का इतनी इजीली, और पैरिंग लग चुकी है कोडी रोड्स को, कनेक्ट भी हो चुकी है, बहुत बढ़िया कनेक्ट हो चुकी है पैरिंग भी, और पेन हो रहा है, क्या ये रिजिलियंस करेगा यूज, टू नहीं किया, बिना रिजिलियंस के क्योर कर दिया, बहुत बढ़िया, खतरनाक गाइस मैच जा रहा है, और बिग बूट लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ, अरे द अंडरटेकर कोडी रोड्स से पकड़ लो ना भाई, क्योंकि कोडी रोड्स भी तो अभी अकेले ही बचे हुए हैं, क्यों ट्रिपल एच और रोमन के बीच में आ रहे हो, कोडी रोड्स है ना पकड़ने के लिए, और क्रॉस रोड्स पड़ने जा रहा है, खतरनाक क्रॉस रोड्स दैट मैन को, खतरनाक गाइस क्रॉस रोड चिपका दिया, और पेन हो रहा है, एक दो एंड इजीली किक आउट बाय द अंडरटेकर, लास्ट एंट्री गाइस इस मैच की, लास्ट रिमेनिंग एंट्री, लास्ट सुपरस्टार इस मैच का आने वाला है। नेक्स्ट गाइस देखते हैं एंट्री किसकी होती है, कौन रह गया, रैंडी ऑर्टन, ओके गाइस रैंडी ऑर्टन की हो रही है एंट्री, और खतरनाक क्रॉस रोड एक बार फिर से, क्या अब करेंगे रिजिलियंस यूज, क्या द अंडरटेकर पेन हो रहा है वैसे, एक दो नहीं, अभी भी पिन नहीं किया भाई अंडरटेकर ने, काफी मतलब स्ट्रॉन्ग है अंडरटेकर, क्रॉस रोड दो दो खाने के बाद भी पिन नहीं किया, बहुत बढ़िया द अंडरटेकर, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सभी सुपरस्टार्स गाइस, हमारे चैनल सभी सुपरस्टार गाइस इस मैच में काफी खतरनाक परफॉर्म कर रहे हैं, और फर्स्ट एलिमिनेशन गाइस हो चुका है, ट्रिपल एच ने कर दिया फर्स्ट एलिमिनेशन द अंडरटेकर गाइस इस मैच से आउट, नॉकआउट भी इस मैच में गाइस ऑन है, सो नॉकआउट से भी एलिमिनेशन हो सकते हैं, तो वही हुआ गाइस इस मैच का, फर्स्ट एलिमिनेशन हो चुका है सुपरस्टार, और वो है द अंडरटेकर।
उनको किया एलिमिनेट। ट्रिपल एच ने, ट्रिपल एच ड्रॉप कर रहे हैं ऑडियंस के सामने बंदा एलिमिनेट करने के बाद। और गैस आपको हमारे चैनल पर भी गैस WWE की तरह ही गैस एवरी मंथ न्यू पेपर व्यूज गैस एंजॉय करने को मिलेंगे, जिसमें गैस हमारे ही इस चैनल के सब्सक्राइबर्स गैस आपस में कम्पीट करते हैं, अलग अलग टाइटल मैचेस में बुक होते हैं, टाइटल ऑन द लाइन होते हैं गैस, न्यू चैंपियंस बनते हैं, टाइटल रिटेन होते हैं, हारते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिक एक्सपीरियंस गैस आपको इंजॉय करने को मिलेगा द गेमिंग हब पर, जो गैस आप किसी भी और चैनल पर गैस इंजॉय करने को नहीं मिलेगा। तो चैनल गैस कर लो सब्सक्राइब, प्रेस कर लो बेल आइकन, ऐसे और भी यूनिक गेमिंग कॉन्टेंट को गैस इंजॉय करते रहने के लिए। और इधर से गैस बंदे बचे हैं सिर्फ 3-2 बंदे हो चुके एलिमिनेट। ठीक अंडरटेकर के एलिमिनेट होने के बाद तुरंत ट्रिपल एच भी हो गया एलिमिनेट, जिन्होंने उनको एलिमिनेट किया था ट्रिपल एच ने, उसको गैस कर दिया एलिमिनेट ट्रैवल चीफ ने। लेकिन कोई बात नहीं, ट्रैवल चीफ भी ज़्यादा देर टिकने नहीं वाले हैं इस मैच में, कभी भी वो भी एलिमिनेट हो सकते हैं, उनको भी पैडिग्री मारी है ट्रिपल एच ने। तो एक दो फिनिशर्स अगर उनको पड़ गए ना, तो ट्रैवल चीफ भी यहाँ से इस मैच से आउट हो सकते हैं। और रैंडी ऑर्टन को वॉइसिस सुनाई दे रही है एक बार फिर इस मैच में। और क्या ये टेबल ब्रेक करेंगे? नहीं, टेबल करेंगे तो नहीं ब्रेक, लेकिन फेस फर्स्ट कमेंट्री टेबल के ऊपर 3 सुपर स्टार गाइस बचे हैं, टाइटल ऑन द लाइन है, तीनों में से गाइस कोई एक इस मैच को जीतने वाला है। और नाइस रिवर्सल बाय कोडी रोड्स, कोडी रोड्स बहुत ओपी खेल रहा है इस मैच में, बहुत मूव रिवर्स कर रहा है भाई कोडी रोड्स, कोडी रोड्स के भी चांसेस लग रहे हैं मेरे को, बट उसके पास रेजिलियंस नहीं है, कोडी के पास यही दिक्कत है, उसके पास रेजिलियंस नहीं है, हेल्थ उसकी बाकी से तो अच्छी है, बस उसके पास रेजिलियंस का नहीं है, बस रेजिलियंस होता तो कोडी रोड्स के चांसेस और बढ़ जाते। बट फिलहाल रोमन रिंग्स एंड रैंडी ऑर्टन के पास रेजिलियंस, और जैसे रोमन रिंग्स आ गए हैं कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बीच में फाइट लेने, और रिंग के अंदर भेज दिया रैंडी ऑर्टन को, बहुत बढ़िया। और रोमन रिंग्स पीछे से कोडी रोड्स को पीटने लगे हुए हैं, खतरनाक गाइस मैच होने वाला है। 2 सुपर स्टार गाइस आउट हो चुके हैं, 3 सुपर स्टार गाइस बचे हैं, और कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रिंग्स, खतरनाक मूव, रशियन लग स्वीट मूव रोमन रिंग्स के ऊपर, और पीछे से आके पकड़ लिया रैंडी ऑर्टन ने, खतरनाक उड़ा के मारा भाई कोडी रोड्स को, खतरनाक स्लैम, 2 बार कोडी रोड्स वन उड़ गए, और खतरनाक मूव गाइस कोडी रोड्स का पेडिग्री, और खतरनाक फिनिशर कनेक्ट हो चुका है। लेकिन रोमन रिंग्स का अभी भी नॉकआउट नहीं हुआ, अरे कितने फिनिशर खाएगा भी बनता, इसको तो ट्रिपल एच ने भी फिनिशर मारा हुआ है, इसको तो मतलब कोडी रोड्स ने 2 बार कोडी रोड्स ने अपना क्रॉस वर्ड्स मार दिया होगा, फिर भी टिका हुआ भाई रोमन रिंग्स, इतने फिनिशर्स खाएगा क्या ये बंदा, 2-3 फिनिशर्स उसको लग चुके हैं, अब लगता है कि अगर इसको एक और फिनिशर लग गया ना शायद इसका एलिमिनेशन हो जाए, 3 फिनिशर्स तो बंदा सर्वाइव कर ही चुका है। खतरनाक हेड बट रोमन रिंग्स का आरकेओ को, रैंडी ऑर्टन को, और 3 ही गए सुपरस्टार बचे हैं, तीनों खतरनाक वाले सुपरस्टार्स, एक लेजेंड किलर, एक अमेरिकन नाइटमेयर, और एक ट्रैवल चीफ, ओरिजिनल ट्रैवल चीफ रोमन रिंग्स। रैंडी ऑर्टन आरकेओ मार ले भाई, तेरे पास भी फिनिशर आया हुआ है, सिग्नेचर भी आया हुआ है, रोमन रिंग्स को पड़ गया तो रोमन रिंग्स आउट हो जाएगा। रोमन ने तो भाई कोडी रोड्स को उड़ा दिया, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, उनके पास तो वैसे भी रिजिलियंस नहीं थी, लेकिन बात तो रोमन रिंग्स, या रोमन रिंग्स कितने फिनिशर्स मतलब हैंडल करेगा भाई, इतने फिनिशर्स अगला खा चुका है, अभी भी टिका हुआ रोमन रिंग्स इस मैच में, 3 फिनिशर्स मेरे ख्याल से इसने सर्वाइव कर लिया इस मैच में, बस अब रैंडी ऑर्टन के ऊपर है, फटाफट से अपना वो आरकेओ मार दे, वरना के रोमन रिंग्स ने उसको एलिमिनेट कर दे भाई इस मैच में। खतरनाक पंचेस रोमन रिंग्स के आरकेओ को, आरकेओ का भी बस्टर क्लोज किया हुआ है, वाह गिलिटीन, खतरनाक गिलिटीन, रेजिलियंस वैसे है तेरे पास आरकेओ, कर ले यूज, गिलिटीन है भाई रैंडी ऑर्टन के पास, कर सकता है यूज, खतरनाक गिलिटीन रोमन रिंग्स का, लेकिन छोड़ दिया रोमन ने खुद ही, बट क्यों, क्योंकि उनको स्पीड मारना है इसलिए, यस। तो ये गाइस लास्ट मूव मेरे ख्याल से हो सकता है इस मैच का, खतरनाक फिनिशर, लेकिन अच्छा हुआ कि रैंडी ऑर्टन ने रेजिलियंस, मतलब रैंडी ऑर्टन का नॉकआउट नहीं हुआ, अब रेजिलियंस तो बच जाएगा, यस बच गया भाई रोमन रिंग्स, 3-3 फिनिशर सर्वाइव करने के बावजूद भी गाइस अभी तक टिका हुआ इस मैच में, और कमाल की बात है कि रेजिलियंस तक उसकी बची हुई है इस मैच में, अभी तक उसकी रेजिलियंस बची हुई है इस मैच में, रोमन रिंग्स की कैंडोस्टिक लेकर के आ गया रोमन रिंग्स, खतरनाक कैंडोस्टिक से वार होता जा रहा है उसके ऊपर, और रैंडी ऑर्टन क्या करता भाई, अपना सिग्नेचर फिनिशर मार भाई आरकेओ, तेरे पास 2-2 फिनिशर आ चुके हैं, लगाना भी आरकेओ, वाइपर स्ट्राइक कर यार, किसका वेट कर रहा है, क्योंकि अब तेरे को अगर उसने फिनिशर मार दिया ना, स्पेल मार दिया, सो रैंडी ऑर्टन भी हार जाएगा इस मैच से, खतरनाक क्लोज लाइन, रैंडी ऑर्टन मार ले स्पेल, मतलब मार ले आरकेओ भाई, मार ले आरकेओ, कहीं वो ना तेरे को लगा दे फिनिशर, तो उसके पास वैसे भी फिनिशर आया हुआ, और वो देखता भी नहीं फिनिशर मारते वक्त, कभी भी लगा देता रोमन रिंग्स फिनिशर पेयर अपना,
और उधर से एक खतरनाक डैमेज हेड के ऊपर स्टन करके फिनिशर लगाना चाहते होगा रैंडी ऑर्टन। लग तो ऐसे ही रहा कि पूरी तरह से उसको स्टन करना चाहते हैं, वो हो चुका है और रैंडी ऑर्टन ने कर दिया स्टन। अच्छा तो ये वाला मूव लगाना था रैंडी ऑर्टन को, लग चुका है मूव एंड इसी के साथ गाइज रैंडी ऑर्टन हमारे ही सब्सक्राइबर का प्लेयर का जीत चुका है। रूथ गेमर्स का प्लेयर क्या ही खूनम खून गाइज किया हुआ था रैंडी ऑर्टन को और खूनी खेल गाइज चला इस मैच में एंड न्यू चैंपियन गाइज ये हमारे ही सब्सक्राइबर का गाइज प्लेयर है रैंडी ऑर्टन, रोहित गेमर्स का प्लेयर और अपने खुद के ही लगाए हुए मैच में रैंडी ऑर्टन खुद जीत गए हैं। और ये मैच का आइडिया भी गाइज हमें रोहित गेमर्स ने दिया था हमारे सब्सक्राइबर चैनल के और उन्हीं का प्लेयर गाइज इस मैच में जीत चुका है। कमाल की बात है गाइज रैंडी ऑर्टन उन्हीं का ही प्लेयर इस मैच में जीत गया और टाइटल रैंडी ऑर्टन ने विन कर लिया है। द न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रैंडी ऑर्टन सर्वाइव्स 5-man gauntlet मैच गाइज। क्या ही शानदार गाइज मैच गया, खूनम खून किया हुआ रैंडी ऑर्टन को लेकिन फिर भी रैंडी ऑर्टन लेजेंड किलर सर्वाइव्स द गॉन्टलेट मैच गाइज। खतरनाक खूनी खेल और टाइटल को शान से अपने कंधों पर लगा रहे हैं। तो फाइनल गाइज आज के इस गेम प्ले वीडियो में इतना ही, आई होप गाइज आपने इस मैच को एंजॉय किया होगा और जाने से पहले गाइज चैनल को जरूर कर दिया करो गाइज सब्सक्राइब, प्रेस कर दिया करो गाइज बेल आइकन ऐसे मजेदार गेम प्ले वीडियोस एवरी डे एंजॉय करने के लिए। और गाइज अगर आप ऐसी और भी गेम प्ले वीडियोस एंजॉय करना चाहते हो तो गाइज आप मेरे लेफ्ट और राइट में गाइज आने वाले गेम प्ले वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो या फिर गाइज आप अपनी स्क्रीन के नीचे आने वाले गेम प्ले सीरीज का गाइज मजा उठा सकते हो। तो मैं मिलता हूं गाइज आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।